हालत ये है कि सरकार को इस पे लगाम लगाना चाहिए। आम आदमी इतना परेशान है कि पेट्रोल और डीजल के रेट दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। हालत ये हो गई है कि अभी तक तो गाड़ी के लिए लोन लेना पड़ता था, अब गाड़ी चलाने के लिए लोन लेना पड़ेगा, डीजल और पेट्रोल के लिए बैंक से लोन लेना पड़ेगा। हालत ये हो गई है। एक लीटर के पेट्रोल पे 3-4 रुपए बढ़ गया था, तो हर दिन ऐसे ही 20-30 किलोमीटर फर्क पड़ना सफ़र करना पड़ रहा है, तो इट अफेक्ट्स, हर चीज़ में अफेक्ट पड़ता ही रहता है। सबसे दिक्कत तो ट्रांसपोर्टिंग का हो रहा है, तेल का जो खेल है ना, ये पूरा सिस्टम को बिगाड़ के रख दिया है। महंगाई बढ़ते जा रही है, हर चीज़ का किराया बढ़ते जा रहा है, अर्थव्यवस्था पूरी ढंग से चौपट होती जा रही है। जो मोदी जी ने सपना दिखाया था, जस्ट उसके उल्टा हुआ है। बहुत बड़ा घोटाला है तेल का, इससे GST को हटाना चाहिए, तब जाके तेल और सस्ता होगा। तो वस्तुएं उनकी तरह GST में आए, कंट्रोल रहे इस पे, ये 12 बढ़ाते हैं, एक साथ बढ़ा दें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि पब्लिक उस हिसाब से मेंटेन करे कुछ चीज़ों को, क्योंकि रोज नया रेट आ जाता है, 1-1.5 रुपये रोज बढ़ रहा है लगभग, तो इससे काफ़ी परेशानी हो जाती है लोगों को।